हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई अच्छी चल रही है घर पे? मैं आशा करता हूँ पढ़ाई अच्छी हो ही हो रही होगी, और जो आपका जो चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना? तो इसमें आपको ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसमें नॉर्मल बातें हैं, बस उनको थोड़ा सा आपको रीड आउट ज़्यादा से बार करना है, बार बार। जैसे वीडियो की बात करें तो वीडियो आपको बार बार देखनी है, ठीक है? यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? और साथ साथ में लाइक भी कर दिया करो, ताकि मुझे पता लगे कि आप अच्छे से देख पा रहे हो, अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है? तो हम आगे डिस्कस करते हैं। हमारा जो टेम्परेरी जो मेथड था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। उसमें एक मेथड आता है नेचुरल मेथड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक हमारा क्या है? नेचुरल मेथड। जब हम नेचुरल मेथड की बात करते हैं तो आपको एक पॉइंट याद रखना है। जब हमने दूसरे मेथड पढ़े थे, बैरियर पढ़े थे ना केमिकल, तो उसमें हमें कुछ बाहर के जो इक्विपमेंट थे, जो टेबलेट्स है, केमिकल्स, उनकी जरूरत पड़ रही थी। बट यहाँ पे ऐसा कोई किसी एक्स्ट्रा चीज की बाहर से जरूरत नहीं है। ये सिर्फ डिपेंड करता है जो मेल पार्टनर, फीमेल जो पार्टनर है ना, जो पार्टनर आपस में, उन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? दूसरों पे डिपेंड नहीं करता है, आउटसाइड कोई चीजों का यूज नहीं होता है इसके अंदर। तो इसमें मैंने लिखा है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म। वो चांस अवॉइड करने का काम कर रहा है कि जो मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर है वही आपस में क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड है। मैंने वर्ड यूज किया था स्टार्टिंग में, उन्हीं के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो अवॉइड कर रहे हैं ताकि ओवम और स्पर्म ना मिले। समझ में आ रहा है मेरी बात? कि वो खुद ऐसा एक ऐसी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं मेल और फीमेल, कब कर रहे हैं भाई? ड्यूरिंग सेक्सुअल, जो सेक्स हो रहा है, इंटरकोर्स हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसी दौरान वो काम हो रहा है। और उस दौरान जो स्पर्म होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जाने से पहले से रोका जा रहा है। उसके अंदर कंडोम यूज नहीं करना है, ठीक है ना? आईयूडी यूज नहीं करना है, कोई टेबलेट्स यूज नहीं करनी है। वो खुद ही क्या कर रहे हैं, कुछ फंक्शन कर रहे हैं ऐसे जिससे वो पता, वो मीटिंग नहीं हो पा रही है। तो हम उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है रिदम, पीरियोडिक एबिस्टेंस, दूसरा है बीबीटी, फिर विदड्रॉल, फिर क्या है, लैक्टेशन एमनरिया। तो ये जो चार चीजें हैं इनके हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और पता लगाएंगे कि इनमें वो कैसे वो नेचुरल मेथड को यूज करता है। रिदम एंड पीरियोडिक एबिस्टेंस, एबिस्टिनेंस। अब रिदम और पीरियोडिक एबिस्टेंस क्या करता है, एक ऐसा टाइम जहां जिस दौरान ओवुलेशन होता ही नहीं है वो टाइम पीरियड। अच्छा, हमने पढ़ा था, मैं जो साइकिल पढ़ी थी हमने कंप्लीट, तो उसमें 28 डेज की एक साइकिल थी, याद है कि नहीं आपको? याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो आप उसके ऊपर रिपीट कर लेना भाई, ठीक है ना? और पीछे के जो चैप्टर है उनको बार बार रीड करते रहना, पता लगे पीछे के जो चैप्टर है वो दिमाग में से चले गए, साफ होते जा रहे हैं और आप आगे कहीं और ही फोकस होता जा रहा है। तो पीछे वाले चैप्टर को रिविजन करते रहना, ठीक है ना? बार बार देखते रहना, उनसे अटैचमेंट रखना जरूरी है, ठीक है ना? तो रिदम में क्या रहता है, पीरियोडिक एब्सेंस, कि जो मेंस्ट्रुअल साइकल्स है वो एक सेफ जोन की बात कर रहा है, सेम पीरियड की बात कर रहा है, उस दौरान जिस दौरान ओवुलेशन नहीं होता, ठीक है ना? तो ये जो ओवुलेशन है कब नहीं होता भाई, एक टाइम फिक्स होता है। तो आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट 7 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके जो फर्स्ट 7 डेज है उनको छोड़कर जो बाकी के डेज बच गए वो कितने हो गए, 14 डेज जो बचते हैं। अच्छा, ये 14 डेज वो वाला नहीं जहाँ पे ओवुलेशन हो रहा है, बाकी के जो 14 डेज बच गए उनकी बात कर रहा है, ठीक है भाई? यहाँ मैंने 14 डेज जो लिखा है उसमें रिदम को नहीं मानना है, उस सेफ पीरियड नहीं मानना इसको, ठीक है ना? वो 14 डेज जहाँ पे ओवुलेशन हो रहा है, ये 14 डेज वो डेज है जिस दौरान ओवुलेशन नहीं होता, जिस दौरान ओवम प्रेजेंट नहीं होता, कहाँ पे, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है ना? वो 14 डेज जिस दौरान ओवुलेशन नहीं होता या ओवम प्रेजेंट नहीं होता है, वो दौरान जो सेफ पीरियड होता है, ठीक है ना? इसको हम बोलेंगे रिदम, पीरियोडिक एब्सटेंस, एब्सटिनेंस। फिर आता है सेकंड हमारा बीबीटी, ठीक है ना? बीबीटी कहता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। जब ओवुलेशन होता है तो नेचुरली हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है फीमेल की, ठीक है ना, फीमेल की बात कर रहा हूँ, तो फीमेल का जो बॉडी टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो हम उस बॉडी टेम्परेचर से पता लगा सकते हैं कि इस दौरान ओवुलेशन हो गया, तो उस ओवुलेशन के दौरान उस बॉडी टेम्परेचर एक हमने आइडेंटिटी पहचान लगाई है कि इस दौरान ओवुलेशन हो रहा है, ठीक है ना? कई बार क्या होता है पता नहीं चलता कि ओवुलेशन हुआ कि नहीं, और सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है और वो प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेग्नेंट फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया है, बीबीटी पे डिपेंड कर दिया अपने आपको। बीबीटी कहता है बेसल बॉडी टेम्परेचर, इस दौरान जैसे ही ओवुलेशन होगा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है, कंपेरिजन
पहले ज्यादा से हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, अब वो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर बढ़ गया, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मीन्स ओवुलेशन हो गया। अब बात आती है कि वो टेम्परेचर है बढ़ क्यों रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या है इसमें पढ़ लेते हैं, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन बीबीटी इंक्रीज, जैसे ओवुलेशन होता है बीबीटी बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है कितना 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू इन बीएमआर। मैंने एक वर्ड लिखा किस रीजन यूज किया मैंने ड्यू टू इन बीएमआर, बीएमआर का मतलब क्या है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रेट है वो ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, फीमेल की बात कर रहा हूँ भाई ध्यान रखना, ये मेल की बात नहीं कर रहा हूँ फीमेल की, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है बीएमआर बढ़ जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, उसकी वजह से वो टेम्परेचर जो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है ह्यूमन बॉडी का वो कितना होता है 39 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा टेम्परेचर, मीन्स बढ़ जाएगा, इससे पता लगता है ओवुलेशन। और उस दौरान क्या करना है आपको अवॉइड करना, अवॉइड करेंगे मतलब हमें पता चल ये क्या हो गया नेचुरल मेथड, ठीक है ना। फिर हमारा नेक्स्ट है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है जैसे ही स्पर्म निकलने वाला होता है तो हम जो फीमेल की बॉडी के अंदर जो वजाइना के अंदर पेनिस जाता है जैसे स्पर्म निकल आता है तो पेनिस को बाहर निकाल देते हैं बिफोर एजुकेशन, स्पर्म निकलने से पहले पेनिस क्या कर दिया विड्रॉ कर दिया कहां से वजाइना से। तो उस बारे में वही है ये नेचुरल मेथड है भाई, क्या भाई नेचुरल मेथड है, देखो पढ़ते हैं हम भी ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है मेल पार्टनर कौन भाई मेल, क्योंकि जो स्पर्म रिलीज कर रहा है कौन कर रहा है मेल ही करेगा, तो मेल को पता पहले से लग जाता है कि क्या हुआ स्पर्म रिलीज होने वाला है पहले पता लग जाता है भाई, ठीक है ना। तो वो विड्रॉ कर लेगा बाहर निकाल देगा हिज पेनिस उसके पेनिस को फ्रॉम वजाइना, ठीक है ना, वजाइना कब निकालेगा भाई जस्ट एजुकुलेशन, उसको एजुकुलेशन होने से पहले मतलब स्पर्म निकलने से पहले इसको क्या कहेंगे अवॉइड इंसिमिनेशन, मतलब वो इंसिमिनेशन को अवॉइड कर रहा है। इंसिमिनेशन क्या होता है एक वर्ड हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था इंसिमिनेशन कि स्पर्म का फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना इंसिमिनेशन, तो वो इंजेक्ट नहीं कर रहा है तो अवॉइड हो गया ना भाई, इंसिमिनेशन मतलब क्या था स्पर्म का फीमेल बॉडी के अंदर जाना तो मेल के द्वारा, है ना। तो इंसिमिनेशन अब यहां पे उसको इंसिमिनेशन का कर दिया अवॉइड कर दिया, कौन कर रहा है मेल पार्टनर कर रहा है, कौन कर रहा है भाई मेल पार्टनर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्लियर है समझ में आ रहा है ना भाई, तो ये ध्यान रखना भाई आपको, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं विड्रा और कोइटस इंटरप्ट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम वजाइना जस्ट एजुकेशन एज टू अवॉइड इंसिमिनेशन, वो इंसिमिनेशन क्या कर रहा है अवॉइड कर रहा है, ठीक है ना, ये मेल पार्टनर द्वारा किया जाता है, मतलब एक नेचुरल मेथड हो गया। इसमें रिदम में क्या था वो एक टाइम पीरियड सेफ था, टाइम पीरियड में नोट कर रहे थे इस दौरान ओवुलेशन नहीं हो रहा है। फिर हमने दूसरा लिया जिसमें हमें पता लग रहा था कि अब ओवुलेशन हो गया है तो इस दौरान उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स उसको क्या करना है अवॉइड करना है। विड्रॉ में क्या था वो पेनिस के द्वारा जो स्पर्म रिलीज हो रहे थे उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ये भी क्या हो गया किस पे डिपेंड कर रहा है मेल फीमेल पे, है ना, मेल पे कर रहा है वैसे मतलब डिपेंड कर रहा है, तो नेचुरल मेथड हो गया ना, इसमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। फिर हमारा है लैक्टेशनल एमनोरिया, लैक्टेशनल का मतलब होता है जब फीमेल के द्वारा मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, क्या कहते हैं फीमेल के द्वारा मिल्क प्रोड्यूस करना, उस टाइम कंडीशन की बात कर रही है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन लीड टू इनहिबिशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ लैक्टेटिंग मदर, वो क्या कर रहा है इस जो लैक्टेशन, अच्छा अब ये पता होना चाहिए लैक्टेशन किसकी वजह से होता है, तो हमें ये पता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन से बनाता है मिल्क प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, यस और नो। फिर उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का भी रोल भी हमने पढ़ा था, याद है कि नहीं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को आपको अभी भी थोड़ा थोड़ा टच में रहना है क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, यदि आप टच में नहीं रहोगे तो आपको कंफ्यूजन होने के चांस बढ़ जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको पीछे वाले जो चैप्टर हैं उनको रीड आउट करते रहे, ठीक है, थोड़ा माइंड क्लियर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना, उसको थोड़ा रिविजन करते रहे देखते रहे, ठीक है। तो अब हमारा क्या है लैक्टेशन एमरिया, मैं पहले डायरेक्ट बता देता हूँ फिर रीड करता हूँ, लैक्टेशन एमरिया के दौरान प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से, किसकी वजह से भाई प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से जो ओवुलेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो कर पाता, ओवुलेशन वाली कंडीशन नहीं बन पाती और ये 6 मंथ तक कंडीशन अप्लाई होती है, कितने मंथ तक भाई 6 मंथ, कम से कम 6 मंथ बता रहा हूँ भाई,
मैक्सिमम 1 ईयर भी हो सकता है, जब तक वो प्रोटीन हार्मोन ज्यादा ज्यादा रिलीज होता रहेगा तब तक ओवुलेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन, ठीक है ना, हाई कंसंट्रेशन बढ़ जाता है प्रोटीन, क्योंकि बच्चे को क्या चाहिए, जो बेबी होता है पार्चुरेशन के बाद, जस्ट पार्चुरेशन, ध्यान सुनना भाई, जस्ट पार्चुरेशन, जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है तो फीमेल की बॉडी के द्वारा जो मदर होती है, ठीक है ना, उससे क्या होना, मिल्क सिक्रेट होना स्टार्ट कर देता है, रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, जो बेबी के लिए न्यूट्रिशन का काम करता है, वो कौन कौन सा हार्मोन काम कर रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, उसकी हाई कंसंट्रेशन थोड़े टाइम बाद वो हाई होती चली जाएगी, समझ रहा है, हाई प्रोडक्शन होता चला जाएगा मिल्क का, और वो किसकी वजह से रहा है, प्रोलैक्टिन, और ज्यादा प्रोलैक्टिन हार्मोन में से ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन, और ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन मतलब जो ओवुलेशन है वो इनहिबिट कर देगा, क्या हो जाएगा भाई, इनहिबिट हो जाएगा, तो यहाँ पे वही है, मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, ठीक है ना, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन लीड टू इनहिबिशन, इनहिबिशन हो जाएगा क्या, मेंस्ट्रुअल साइकल्स, किसके अंदर, लैक्टेटिंग मदर के अंदर, जो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है उसी फीमेल की बात हो रही है भाई, ठीक है ना। इसमें नेक्स्ट लाइन एक और है, इसी में, ड्यू टू हाई प्रोलैक्टिन ओवुलेशन इज इनहिबिटेड, जितना हाई प्रोलैक्टिन रिलीज होगा हार्मोन्स, उससे ओवुलेशन के चांस, इनहिबिट के चांस ज्यादा ज्यादा बढ़ जाएंगे, मीन्स ओवुलेशन होगा ही नहीं, ओवम बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। दिस इज इफेक्टिव ओनली अप टू 6 मंथ आफ्टर बर्थ, ये कब तक चलेगा भाई, 6 मंथ तक चलेगा इफेक्ट, ज्यादा ही ज्यादा, सॉरी कम से कम चलेगा, और ज्यादा ज्यादा इसका 1 ईयर तक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा, तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको दूसरे, इससे आगे हमारे पास जो टेम्परेरी पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना, टेम्परेरी के बाद क्या गया, टर्मिनल, और हम ये हमारा चैप्टर जल्दी खत्म होने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि तुम आप ज्यादा देर पढ़ें, और हम टर्मिनल में अभी पढ़ते हैं आगे, ठीक है।